पंजाब पुलिस बर्बरियत और गुल्लूगर्दी किसी से ढकी छुपी नहीं है। पुलिस में हजारों जराइम पेशा अफराद को सियासी रिश्वत के तौर पर भर्ती करने का ये अंजाम होना अनहोनी बात नहीं, और फिर इसी सियासी पुलिस से अपने सियासी मुहालफिन के खिलाफ कार्रवाई करवाना और जाली पुलिस मुकाबले करवाना नून लीग का मामूल रहा है। जिसकी बदतरीन मिसाल मॉडल टाउन सानेहा था, जिसकी धमकी साद रफीक देते रहे। मौलाना आप इतना ताखीर ना करें, आ जाएं आप ताकि आपका यहाँ इस्तकबाल किया जाए, और ऐसा वालहाना इस्तकबाल आपका किया जाए कि दोबारा ये ड्रामा रचाने की आपको जरूरत ना हो। और जिसका बराह रास्त हुक्म राणा सनाउल्ला ने दिया, और अदालती कमीशन भी उस वक्त की पंजाब हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा चुका है। राणा सनाउल्ला के इजलास के फैसले पाकिस्तानी तारीख की बदतरीन कत्लेआम के जिम्मेदार है, ये कहना है जस्टिस बाकर की इस अहम तरीन रिपोर्ट का। इस बदतरीन रियासती दहशत गर्दी के वाकये की FIR भी 2 माह के शदीद एहतजाज के बाद उस वक्त के आर्मी चीफ की मुदाखलत पर दर्ज हुई, और इस वाकये के मुजरिम नून लीग की हुकूमत के इख्तिताम तक न सिर्फ अपने ओहदों पर बराजमान रहे बल्कि तरक्की भी पाते रहे। गुल्लूबद के बाद सानिहा मॉडल टाउन के मरकजी किरदार SP तारिक अजीज की एंट्री हुई। IG पंजाब मुश्ताक अहमद सुखेरा ने तारिक अजीज को SSP डिसिप्लिन लगा दिया। तारिक अजीज को मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और फायरिंग का हुक्म देने के इल्जाम में OST बनाया गया था। इसके मुकाबले में साहिवाल के अफसोसनाक सानिहे के जिम्मेदारों को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार किया गया, और सिर्फ 72 घंटों के अंदर मुकदमे के इंदिराज ने साबित कर दिया कि तहरीके इंसाफ के हाथ साफ हैं। इंशाल्लाह तहरीके इंसाफ न सिर्फ साहिवाल सानहे की जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाएगी, बल्कि मॉडल टाउन सानहे के जिम्मेदार भी इंसाफ का जल्द सामना करेंगे।